नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में मुखिया व सरपंच ही होंगे परामर्श समिति के अध्यक्ष। पूर्व मध्य रेल ने बिहार से खुलने व गुजरने वाली 10 ट्रेनों के परिचालन को किया शुरू। मौसम विभाग ने बारिश वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। देश भर में लगातार दूसरे दिन आए 1 लाख से कम मामले। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने बारिश वज्रपात को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। बिहार में 2 से 3 दिनों में मॉनसून आने की पूरी संभावना है, मगर इस बीच इससे पहले कई जिलों में बारिश होने के आसार बन रहे हैं। हालांकि बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है और कई क्षेत्रों में उमस और बढ़ते तापमान से लोगों के हाल बेहाल है और सबसे अधिकतम तापमान भागलपुर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मगर मंगलवार को राज्य के कई जिलों में बारिश भी हुई। इसके तहत ठाकुरगंज में 25 मिलीमीटर, तैयबपुर में 16 मिलीमीटर, फारबिसगंज में 15.2 मिलीमीटर, मुंगेर 7.6 मिलीमीटर, जोकीहाट में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अब मौसम विभाग की माने तो दक्षिण बिहार में बंगाल की उत्तर पूर्वी खाड़ी और पश्चिम बंगाल में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के सभी जिलों में तेज हवा करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थानों पर बिजली और गरज के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। आने वाले 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। पूर्व मध्य रेल ने बिहार से खुलने व गुजरने वाली 10 ट्रेनों के परिचालन को किया शुरू। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के साथ ही लोगों के रोजमर्रा जीवन फिर से पटरी पर आ रहे हैं। इसे देखते हुए अब यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने अलग अलग स्टेशनों से खुलने व गुजरने वाले स्पेशल ट्रेनों को फिर से चलाने का ऐलान किया है। इसके साथ 05203 बरौनी लखनऊ स्पेशल ट्रेन 10 जून तथा 05204 लखनऊ बरौनी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 जून से होगा। वहीं 03253 पटना बांद्रा टर्मिनल साप्ताहिक 10 जून से व 03254 बांद्रा टर्मिनल पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 13 जून से शुरू होगी। वहीं 03246 राजेंद्र नगर टर्मिनल न्यू जलपाईगुड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन 10 जून से व न्यू जलपाईगुड़ी राजेंद्र नगर टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 जून से पुनर्बहाल होगा। वहीं 05269 मुजफ्फरपुर अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 10 जून से 24 जून तक प्रत्येक गुरुवार को तथा 05270 अहमदाबाद मुजफ्फरपुर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 जून से 26 जून तक प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा। इसके साथ ही 03259 पटना CSTM फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 13 जून से 30 जून तक प्रत्येक रविवार एवं बुधवार एवं CSTM पटना फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जून से 2 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को किया जाएगा। इसके साथ ही दानापुर आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 10 जून से 30 जून तक तथा आनंद विहार टर्मिनल दानापुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 11 जून से 1 जुलाई तक प्रतिदिन किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर हावड़ा साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जून से 29 जून तक प्रत्येक मंगलवार को तथा हावड़ा मुजफ्फरपुर साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 16 जून से 30 जून तक प्रत्येक बुधवार को किया जाएगा। खगड़िया की आर्या राज बनी बीपीएससी के महिला टॉपर। बीपीएससी ने 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट रविवार को जारी किया, जिसके बाद से ही सफल प्रतिभागियों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। एक तरफ जहां बिहार के ऑल ओवर टॉप 10 में लड़कों ने अपनी जगह बनाई, तो वहीं महिला वर्ग में खगड़िया जिले की आर्या राज ने 11वीं रैंक हासिल कर महिला वर्ग में पहला स्थान पाया है। जानकारी के मुताबिक खगड़िया जिले के गोगारी के बड़ेठा के रहने वाली आर्या ने इससे पहले भी बीपीएससी परीक्षा में सफलता पाई थी और वर्तमान में वे बेगूसराय के बलिया में CDPO का पद संभाल रही है। वहीं दूसरे प्रयास में ही उन्होंने महिला वर्ग में प्रथम स्थान पाया है। उन्होंने कृष्णा निकेतन से 10वीं की पढ़ाई और नोटरडम एकेडमी से 12वीं की पढ़ाई की है। साल 2014 में उन्होंने पटना विमेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन किया और नई दिल्ली के JNU से अर्थशास्त्र से MA की पढ़ाई पूरी की। वहीं उनकी सफलता पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार में मुखिया व सरपंच ही होंगे परामर्श समिति के अध्यक्ष। बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव के समय पर ना होने के कारण पंचायत परामर्श समिति का गठन करने का आदेश जारी किया था, जो चुनाव होने तक पंचायतों में चल रहे कार्यों पर नजर रखेंगे। वहीं अब इस समिति के लिए अध्यक्ष व अन्य पदों में शामिल होने वाले अधिकारियों का चयन कर लिया गया है। इसके तहत अब पंचायत में मुखिया, ग्राम कचहरी में सरपंच, पंचायत समिति में प्रखंड प्रमुख और जिला पार्षदों में जिला पार्षद अध्यक्ष अब परामर्श समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपना काम करते रहेंगे। उन्हें वे सभी अधिकार व कर्तव्य मिल गए हैं जो उन्हें अब तक प्राप्त हैं। इसके तहत 15 जून के बाद जिस दिन से उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके अगले दिन से परामर्श समिति काम करने लगेगी। यह व्यवस्था पंचायत चुनाव तक जारी रहेगी।
चमकी बुखार से प्रभावित जिलों के लिए बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, शिवहर, दरभंगा और सीवान जिला चमकी बुखार से सबसे प्रभावित माना जाता है और इसका असर सबसे ज्यादा छोटे उम्र के बच्चों पर देखा जाता है। साल 2018-19 में तो मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार कहर बनकर टूटा था। वहीं अब सरकार ने इन प्रभावित जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों में 24/7 स्वास्थ्य सेवा देने की पहल की है ताकि मरीजों का इलाज समय पर हो सके। इसके तहत अब अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सुबह 5 से 6 बजे तक दर्पण डेली ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इधर जिले के सिविल सर्जन ने कहा है कि जिले के सभी PHC में JEAES से बचाव हेतु सभी आवश्यक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आवश्यक दवाओं के साथ साथ पैरासिटामोल, ORS, विटामिन ए सहित ग्लूकोज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। राज्य के 10,000 से ज्यादा निजी स्कूल चढ़े कोरोना महामारी की भेंट। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन ने बिहार के निजी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों की कमर तोड़ दी है। कोरोना के कारण प्रदेश में 10,000 से अधिक निजी स्कूल बंद हो गए हैं। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले 50,000 से अधिक शिक्षक बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। वहीं इस दौरान उनके परिवार पर भी संकट खड़ा हो गया है। कई शिक्षकों ने तो अपना पेशा बदलकर दूसरा रोजगार भी शुरू कर दिया, तो वहीं वर्तमान में ऑनलाइन क्लास चलने के कारण कई अभिभावक भी पूर्ण रूप से फीस को जमा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में 50 से 60% अभिभावक ही फीस दे रहे हैं। ऐसे में बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर SM सोहेल का कहना है कि कोरोना के कारण राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश स्कूल बंद हो गए हैं। वहीं शहर में जो स्कूल बंद हो गए उनके शिक्षकों के लिए चुनौती काफी बड़ी हो गई है। गया जंक्शन में RPF कर्मी ने बचाई युवक की जान। गया जंक्शन पर मंगलवार को ड्यूटी पर तैनात रहे RPF के एक पदाधिकारी ने साहस दिखाते हुए एक यात्री की जान बचा ली। दरअसल मंगलवार को प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर से 02382 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन खुल चुकी थी। इस दौरान चलती ट्रेन के स्लीपर कोच में एक यात्री चढ़ने लगा था। इसी क्रम में उसके पास का रहा बैग उसके हाथ से छूटकर प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जिसे लेने की कोशिश में यात्री का पैर फिसल गया। लेकिन यात्री का हाथ बैग पे और दूसरा हाथ कोच का हैंडल पे थमा हुआ था। ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ रही थी और गति तेज होती चली जा रही थी, जिसके कारण यात्री कुछ देर तक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ घसीटता चला जा रहा था। इसी बीच प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पासिंग करा रहे RPF गया पोस्ट के ASI राजेंद्र कुमार राय ने साहस का परिचय देते हुए यात्री को सुरक्षित बचाने में कामयाब रहे। वहीं पूरी घटना के CCTV में कैद हो जाने के बाद RPF के ASI राजेंद्र कुमार राय को इस साहसिक कार्य करने के लिए DDU रेल मंडल प्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने ₹2500 नकद व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। नवादा में बैंक कर्मियों ने लगाया 92 लाख का चूना। बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र स्थित ब्रांच में से 92 लाख के घोटाले करने की बात सामने आई है, जिसके बाद घोटाले की जांच पड़ताल के बाद बैंक के पूर्व प्रबंधक मधुलिका रानी, शाखा प्रबंधक योगेश कुमार एवं कैशियर विशाल कुमार को आरोपी मानते हुए FIR दर्ज किया गया है। दर्ज कराए गए FIR में 92,18,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 2019 में ये तीनों आरोपी बैंक कर्मी दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक वारसलीगंज शाखा में काम करते थे। तीनों की मिलीभगत से विभिन्न जमाकर्ताओं के फिक्स डिपॉजिट खातों को बंद कर दूसरे खाते में राशि को भेजकर रुपए का गबन कर लिया गया। इन कर्मियों द्वारा फिक्स डिपॉजिट खातों की राशि को मॉडिफिकेशन के नाम पर निकाल लिया जाता था। वहीं बीच में ग्राहक अगर पहुंच गए तो उन्हें रुपए का भुगतान कर दिया जाता था। ऐसे में बात सामने नहीं आ पाती थी। इस बीच सभी पदाधिकारियों का तबादला हो गया, जिसके बाद ही यह मामला सामने आया। अब इसकी जाँच पुलिस कर रही है। बिहार के 2,948 स्कूलों में इस साल से शुरू होगी 10वीं की पढ़ाई। राज्य के 2,948 मध्य विद्यालयों में इस साल से कक्षा 10वीं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं अगले 2 साल में यहां 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए भी इन स्कूलों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। दरअसल इन विद्यालय में पिछले शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9 की पढ़ाई शुरू की गई थी, पर अब इन स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूल का दर्जा दिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी विद्यालय में जगह के अभाव में स्कूली आधारभूत संरचना विकसित नहीं की जा सकी है तो वहां अब बहुमंजिली इमारत बनाई जाएगी और जब तक बिल्डिंग नहीं बनते हैं तब तक 2 पालियों में स्कूल का संचालन किया जाएगा, जिसके तहत उच्च माध्यमिक और मध्य स्कूल के अलग अलग यूनिट होंगे। वहीं इसके तहत इन 2,948 विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति भी 6ठे चरण में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में से की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 6ठे चरण में नियुक्त होने वाले 40,000 से अधिक शिक्षकों में से नियुक्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जो कि अगस्त महीने तक होने की संभावना है।
बिहार की शिक्षा मंत्री ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर उठाए सवाल। हाल ही में नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बिहार को दिए गए स्थान पर अब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने असहमति जताई है। उन्होंने इस रिपोर्ट के आंकड़ों को एकत्र करने और उसके विश्लेषण के तरीकों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 3 जून को प्रकाशित इस रिपोर्ट से सच्ची तस्वीर चित्रित नहीं होती है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में अधिकांश लक्ष्यों में बिहार की स्थिति सुधरी है। समेकित कंपोजिट अंक की बात करें तो 2018 से अब तक प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। नीति आयोग के मुताबिक भी राज्य आकांक्षी श्रेणी से निकलकर परफॉर्मर श्रेणी में आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं साफ पानी की उपलब्धता संबंधित लक्ष्य संख्या 6 में बिहार ने 91 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत स्तर से 8 एवं शीर्ष श्रेणी के राज्य केरल से 2 अधिक है। वहीं स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन से संबंधित लक्ष्य संख्या 3 में भी बिहार ने उल्लेखनीय उपलब्धि पाया है। लैंगिक समानता एवं महिलाओं को सशक्त बनाने संबंधी लक्ष्य संख्या 5 के संबंध में बिहार प्रगति पर है, इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने भ्रामक बताया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के खिलाफ विपक्षी दल के विधायकों ने जारी की विज्ञप्ति। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री व बक्सर से बीजेपी सांसद अश्विनी चौबे के खिलाफ विपक्षी दलों के विधायकों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसके तहत उन्होंने पत्रकार पर दर्ज किए गए FIR को जांच करने और उसे वापस लेने की मांग की है। दरअसल मामला यह था कि एम्बुलेंस मामले में खबर छापने के बाद एक निजी चैनल के पत्रकार उमेश पांडे पर भाजपा नेता परशुराम चतुर्वेदी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की छवि धूमिल करने समेत कई आरोप लगाते हुए 23 मई को FIR दर्ज करवाया था, जिसके बाद से ही विपक्षी दल इसे नाजायज ठहराते हुए इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। इसी कारण बक्सर सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, राजपुर विधायक विश्वनाथ राम एवं डुमराव विधायक अजीत सिंह कुशवाहा ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर FIR को वापस लेने की मांग की है, नहीं तो धरना प्रदर्शन करने का भी अल्टीमेटम दिया है। बताते चले कि इस मामले में NDA के भी कई नेता ने FIR का विरोध किया है। इससे पहले हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी व जदयू नेता अशोक कुमार सिंह ने भी इसका विरोध किया है। दलित अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी के मंत्री ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। बिहार में NDA घटक दलों में आजकल एक दूसरे के ऊपर ही विभिन्न मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री जनक राम ने दलित अत्याचार को लेकर एक पत्र लिखा है। उन्होंने विभिन्न जिलों में महादलित समुदाय की लड़कियों को कथित तौर पर अगवा कर जबरन धर्मांतरण के बाद निकाह कराए जाने को लेकर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस क्रम में मंत्री जनक राम ने गोपालगंज और जमुई जिले के DM और SP को चिट्ठी लिखकर धर्म परिवर्तन का संवेदनशील मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी बेटियों को किडनैप किया जा रहा है और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनका निकाह कराया जा रहा है। मंत्री ने इसे लव जिहाद से जोड़ा तथा इसमें उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। IPL 2021 के बचे मैच के आयोजन में फिर से आई मुश्किलें। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के बाकी बचे मुकाबले UAE में होने हैं, लेकिन 14वें सीजन को लेकर BCCI की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल ICC ने साफ कर दिया है कि BCCI को 15 अक्टूबर से पहले ही IPL फाइनल का आयोजन करवाना होगा, मगर BCCI चाहता है कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के विंडो में IPL 2021 के बचे मैच हो जाए। बता दें कि ऐसी खबरें आ रही थी कि IPL 2021 के इस सीजन के बाकी बचे मुकाबले 19 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और फाइनल 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। T20 विश्व कप 18 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है, तो ऐसे में IPL 2021 का 15 अक्टूबर तक जारी रखना एक चुनौती बनकर सामने आ गया है। देश भर में लगातार दूसरे दिन आए 1 लाख से कम मामले। देश भर में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है और 2 महीने के बाद सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 92,596 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2,219 मरीजों की जाँच चली गई है। वहीं इस दौरान 1,62,664 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 12,31,415 हो गए हैं। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 711 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान 1,010 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7,897 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 98.13% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार में कोरोना मामले कम होते देख अब सीनियर कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षण संस्थानों को खोल देना चाहिए या नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।